Hello viewers, hi, I am your host Gautam and you are watching my YouTube channel Exam Concept. Today I am going to solve question number 4, 5 and 6. Let's see, but don't skip this video. Watch till the end and I will announce the lucky winner's name. So chalo shuru karte aaj ka video. The first question that is very important, what I have already given that last video. This is the question, and what will be the answer? अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोगों ने सभी ने ट्राई किए इसका आंसर ढूंढने के लिए. किसी ने करेक्ट दिए, किसी का रॉन्ग हुआ है. अब इसका लॉजिकली कैसे करेक्ट आंसर ढूंढना है? वेरी सिंपल, पहले नंबर तो देख लेना पड़ेगा. यहाँ पर नंबर क्या है? तो पहले यहां से काउंट करते हैं, 44 to 30. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 44 0 2 एंड देन 30. इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे 91 03 07 एंड 20. इसका टोटल आने से, हिसाब करने से, इसका टोटल आता 121 और इसका आने से 76. अभी ये 11 एंड 10 यहाँ पे है, इन सब का क्या रिलेशन है? इसी में कंफ्यूज हो गया था, मैं भी कंफ्यूज हो गया था पहले इसको सॉल्व करते वक्त. पहले देखिए 121 जो है, इसका साथ 10 का या 11 का कोई रिलेशन है कि नहीं है? मुझे लगता है 11 into 11 = 121 आता है. तो 10 जो है यहाँ पे, तो 10 into 10 इसका आता 100, मगर यहाँ पे 76. इसमें क्या आता प्लस करने से? 100 आता है. आंसर आता है डी नंबर. डी नंबर यहाँ पे 24 आता है. तो 24 इसको ऐड करने से टोटल 100 आ जाएगा. तो 10 10 जर 100 एंड 11 11 जर 121. सो ये 11 11 जर का इसका कनेक्शन इसका साथ हो गया है और इसका कनेक्शन आएगा इसके साथ. तो यहाँ पे 10 10 जर 100 चाहिए, 100 में यहाँ पे लैकिंग है 24. तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा. तो आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है या गलत है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फाइव वेरी इजी है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव गिवन द करेक्ट आंसर. 1 2 3 4 5 6 हो गया. 1 2 3 4 5 6 या 12 13 14 15 एंड 17. मिसिंग क्या है नंबर? मिसिंग नंबर है 16. इसका आंसर क्या आएगा? 16 आएगा. दैट मीन्स आंसर आएगा इसका बी. तो पहला आंसर का, फोर नंबर आंसर का आया था डी, फाइव नंबर का है बी और लास्ट है एक सिक्स नंबर आंसर. उसको भी सॉल्व करते हैं सिक्स नंबर को. ए क्वेश्चन में थोड़ा फ्लैक्चुएट हुआ आंसर का. अभी इसका आंसर क्या आने वाला है? सभी ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको यूज किया है, मैं जेन्युइन एक सिंपल तरीका दिखाता हूं. यह है माइनस 732 - 415, 856 - 324 and 683 - 572. क्या था? तो 732 - 415 = 317. 856 - 324 ये आता 500 32. तो 683
572, इसका आंसर तो 111। तो ए आंसर है बी। तो आंसर क्या हुआ देखिए, 3 माइनस 2 इजिकल टू 1 आएगा, 8 माइनस 7 इजिकल टू 1 आएगा, 6 माइनस 5 इजिकल टू 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी नंबर को। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, एकदम इजी है। मगर हम कभी कभी इजी क्वेश्चन को भी थोड़ा टफ सोच लेते हैं। अच्छा चलिए, आज का जो लकी विनर है उनका नाम मैं अनाउंस करने वाला हूँ। आज का टोटल वीडियो, जो वीडियो लास्ट वीडियो का टोटल आपका जितना भी आंसर्स मैंने देखे उनमें से सिर्फ 2 कैंडिडेट हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स। वन इज कॉल्ड अमनदीप एंड वन इज कॉल्ड मनदीप। सो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम आई टोल्ड दैट यस, इफ मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर्स आर देयर देन ऑटोमेटिकली फर्स्ट पर्सन हु हैज गिवन द करेक्ट आंसर ही विल गेट द प्राइज एंड द लॉटरी। बट हियर ओनली 2 कैंडिडेट्स आर देयर, सो अल्टीमेटली 1 कैंडिडेट वी हैव चूज्ड द विनर। विनर नेम इज मनदीप, मनदीप सिंह। He is the lucky winner, जिन्होंने आंसर दिया था डी बी बी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मनदीप सिंह। और एक बात है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बच्चे लोगों के लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, हेल्प होगा इन फ्यूचर। मैथ का एक ट्रिक है, अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछू, जे कोई भी ईयर ले लीजिए आप, कोई भी ईयर ले लीजिए, मगर याद रहे वो लीप ईयर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट लीप ईयर। लीप ईयर मतलब क्या होता है, जो ईयर डिवाइडेड बाय 4 होता है। या बस 2016 नहीं होगा, 2020 नहीं होगा, 2024 नहीं होगा, ये सब लीप ईयर है। लीप ईयर को छोड़ के कोई भी ईयर लीजिए, 2015, 2017, 2018, जो भी ईयर ले लीजिए, एक बात दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू। कोई भी ईयर ले लीजिए, ईयर का अगर फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट जो जनवरी आता है, ये जनवरी, फर्स्ट जनवरी जिस भी दिन से शुरू होता है, अगर ये मंडे शुरू हुआ तो 31 दिसंबर भी मंडे होगा। कोई भी अगर पूछ सकता है जो 2017 का दिसंबर का लास्ट डे कौन सा था, तो अगर ये आंसर 1 जनवरी देख लीजिए, 1 जनवरी अगर मंडे हुआ तो आपका 31 दिसंबर भी मंडे होगा। अगर यहाँ पे, यहाँ पे अगर मंडे के जगह पे अगर ये वेनेसडे होगा तो ये भी वेडनेसडे होगा। थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड माय वीडियो, एंड नेक्स्ट टाइम I request you, if you think that this video is really helping to others, then please share my videos, and इसी तरह आप लोग support करते रहिए। मेरा अगले video भी आने वाला है, processing चल रहा है, Thursday morning को आप लोगों को मिल जाएगा उसी तरह। और इसी तरह आप लोग सहयोग कीजिए, मैं जाते और अच्छा video upload कर सकूँ। अगर इसमें से कोई अगर आप लोग, that if you want to give any advice, then you can write in the comment box. Have a nice day.